अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पाई नेटवर्क रियल है या फेक है, ठीक है, और पाई नेटवर्क पर अर्निंग कैसे करते हैं, पाई नेटवर्क का विदड्रॉ कब होगा, और पाई नेटवर्क पर क्या हम अपनी मल्टीपल फेक आईडीज के ज़रिए माइनिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे होगा ये कि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे जिनमें एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर पाई नेटवर्क रियल है या फेक है। तो पाई नेटवर्क अगर रियल है तो हमें फ्री में अर्निंग क्यों दे रहा है, बगैर किसी काम के हमें अर्निंग क्यों दे रहा है, किस वजह से अर्निंग देगा। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ ये है कि पाई नेटवर्क फ्री बिल्कुल भी नहीं है और हम फ्री में अर्निंग नहीं कर रहे हैं। हम हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम इस पे लोगों को इनवाइट करते हैं, हम इसकी एप्लीकेशन को प्रमोट करवा रहे हैं, तो इस चीज़ के हमें ये एप्लीकेशन पैसे देगी इन फ्यूचर, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डिवेलपर का भी कहना है। और अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं इसके अबाउट में, ये बहुत बड़ी इन्होंने दी हुई है इंस्ट्रक्शन। जो फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसके अंदर है, आप देख सकते हैं, इसके FAQ कहलाता है वो, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि पाई नेटवर्क पर अर्निंग कैसे करते हैं। तो ये बहुत जो मेरे न्यू न्यू फ्रेंड्स आते हैं इस नेटवर्क में, पहली पहली दफ़ा कोई वीडियो बीच की देखते हैं, तो वो लाजमी पूछते हैं कि कैसे अर्निंग करनी है और इस पर अकाउंट बना के। तो फ्रेंड्स, उसका जवाब ये है कि इस पर अर्निंग करने के एक ही तरीका है, आपने डेली एक दफ़ा इस एप्लीकेशन को ओपन करके टैप ज़रूर करना है माइनिंग स्टार्ट करने के लिए। दूसरी चीज़, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस नेटवर्क पर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, उनके साथ इंफॉर्मेशन जो है शेयर करनी है, उन लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है ताकि उन लोगों को पता चले और वो ये नेटवर्क छोड़कर ना जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात उन्हें आपने पहुँचानी है। फिर बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं इसका विड्रॉ का ऑप्शन कहाँ है, आया ही नहीं है, क्यों नहीं आया, वजह क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर Phase 3 के अंदर इसका विड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा। Phase 3 कब आएगा, इस वक्त हम कौन से फेस में ही, तो ये तमाम डिटेल्स मैं आप लोग को देती रहती हूँ, लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाजमी सुने कि Phase 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं और Phase 3 आ जाएगा हमारे 2021 में। जिस तरह से एक एक साल की गैप से मुख्तलिफ फेस चेंज हुए हैं, आई होप कि 2021 के अंदर जो है Phase 3 आ जाएगा। उसके बाद जो है मनी को डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फेक आईडीज बना के अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो आईडी कंपनी पकड़ लेगी और रिपोर्ट कर देगी। इस तरह आप किसी एक आईडी से भी अर्न नहीं कर पाएंगे, आपकी तवज्जो जो है वो हर तरफ रहेगी। तो आप ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करें जिसमें आपकी पकड़ हो या आपका अकाउंट जिसकी वजह से रिपोर्ट हो जाए या ड्रॉप हो जाए। तो पहली चीज़, अगर आप लोग बना चुके हैं फेक आईडी, तो उसके लिए मैं आपको एक हल बताने वाली हूँ, आप अपनी फेक आईडी को किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जाना है ये 3 डिजिट वाली लाइन जो है, आपने इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास अर्निंग टीम का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ये आपके पास एक रिपोर्ट का ऑप्शन है। आप जैसे ही रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये मुख्तलिफ लोगों के आगे इस तरह रेड डॉट लगा देंगे जो इनएक्टिव है, ठीक है, और जो फेक आईडी है। तो अगर आपने किसी एक को भी रिपोर्ट करना है, तो आपने जिसको भी रिपोर्ट करना हो उस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ये आपकी आईडी हो तो आपने इसे क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वॉन्ट रिपोर्ट एज अ फेक अकाउंट। तो आपने इसको जो है रिपोर्ट जैसे ही दबाएंगे, एक बार आप रिपोर्ट दबाएंगे तो ये एक और मैसेज देगा, ये देखें, ये एक और मैसेज देगा इनएक्टिव एज अ रिपोर्ट फेक अकाउंट, ठीक है। आप जो है इसको अंडू कर सकते हैं एक बार, ठीक है, अंडू कर लिया, क्योंकि ये कोई फेक अकाउंट नहीं था। लेकिन पहले जो मैंने देखा था ना, इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन आया हुआ था जिसमें आप अंडू भी नहीं कर सकते थे, अब तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती जा रही हैं, ठीक है। एक और फीचर इन्होंने दिया है पाई नेटवर्क के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले एवरीवन। आपको अगर सिर्फ ये जानना हो कि मेरे पास कौन कौन से जो है एक्टिव मेंबर्स हैं, तो आप ओनली एक्टिव करके यहाँ से अपने तमाम एक्टिव मेंबर्स की डिटेल्स ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है इसको चेक कर सकते हैं, इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी फेक आईडी है तो अभी आप इसे स्टॉप कर दें, सिर्फ एक आईडी पे कंसंट्रेट करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। 24 घंटे में रोज़ाना आपने एक्टिव होना है, एक टाइम एक्टिव होना है, लाजमी आपने एक बार करना है। और जो बोल रहे हैं विड्रॉ नहीं मिलेगा, एक बात बताएं, आप लोगों से हम कोई चीज़ इन्वेस्ट तो नहीं करवा रहे ना पाई नेटवर्क पे, आपके पैसे तो नहीं लगे हुए हैं ना, आपका टाइम स्पेंड हो रहा है। इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा जल्दी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को लेके आगे चले हैं फ्रेंड्स। तो जिस तरह ये लोग चल रहे हैं, मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका रिस्पॉन्स होगा, इनकी जो बनेगी वृद्ध जाएगी वो बहुत ज़्यादा कीमत इनकी बढ़ जाएगी। तो आई होप आप लोग अब इस पर